अर्थसंदृष्टि अधिकार लेक्चर नंबर 48
अब उसका असंख्यात बहुभाग वो क्या है, संक्लेश परिणाम वेरिएशन जो प्रशांत के है, संक्लेश परिणामों की संख्या अधिक है, विशुद्ध परिणामों की कम, यानी तीव्र कषाय के वेरिएशंस ज़्यादा है और मंद कषाय के वेरिएशंस कम है, फिर भी वो भी असंख्यात लोग होगी, फिर भी उसकी अपेक्षा वो असंख्यात गुणे होगी। तो ये हमने कैसे निकाले, तो मूल में असंख्यात लोग प्रमाण है, उसको दूसरे असंख्यात लोग का भाग दिया, उसके लिए हमने नौ संख्या लिख दी, तो उसका बहुभाग, कहीं भी बहुभाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ सुशीला जी, कहीं भी किसी संख्या से भाग देकर उसका बहुभाग हमें चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे नौ से भाग दिया, बहुभाग यानी हमें आठ भाग उसमें से चाहिए, तो नौ से भाग देकर आठ से गुणा करेंगे तो हमें बहुभाग मिलेगा, वही बात यहाँ लिखी है, हाँ एक माइनस करके उसे गुणा करते हैं। तो यहाँ देखो बहुभाग रूप संक्लेश रूप अशुभ रेशा के स्थान ऐसे सेकंड लाइन में असंख्यात लोग जो हमने पहले देखे थे उसको नौ का भाग दिया और आठ से गुणा किया, एक भाग मात्र विशुद्ध रूप शुभलेशा के स्थान से, विशुद्ध किसको कहना, शुभलेशा के स्थानों को, स्थान यानी वेरिएशंस, वो कितने हैं असंख्यात लोग डिवाइडेड बाय नौ, वो एक भाग है, समझने के लिए आगे एक लिखा, नहीं लिखे तो भी चले क्योंकि एक का गुणकार एक ही होता है, तो ये नौवा भाग, और दो भाग के लिए मल्टीप्लाइड बाय आठ किया और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय एक किया, यहाँ भागहार का भाग देकर हमने जो नौ संदृष्टि वाला जो असंख्यात लोग है वो भी असंख्यात लोग है, छोटा असंख्यात लोग, उसके लिए नौ लिखा, नौ का भाग देकर बहुभाग में सर्वत्र एक कम भागहार प्रमाण से गुणा करना, जब बहुभाग निकालना है तो एक कम भागहार, यानी हमारा भागहार नौ है तो एक कम हुआ आठ, उससे गुणा करना, तथा एक भाग में एक से गुणा करना, ऐसा करना। अभी हमने अशुभ रेशा के स्थान दो भाग प्रमाण देखे, अब उसमें और डिविजन्स करेंगे क्योंकि उसमें भी कृष्ण नील का उप तीन प्रकार होते हैं, तो अशुभ रेशा के स्थानों को उसी प्रतिभाग का भाग दे देकर, उसी प्रतिभाग में नव का है दे देकर, इसलिए कहा कि अनेक बार देना पड़ेगा इसलिए दे दे करके, बहुभाग बहुभाग, यानी पहला बहुभाग है वो कृष्ण को देंगे, बहुभाग मात्र कृष्ण नील के स्थान और एक भाग मात्र कपोत लेशा के स्थान जाने, यानी कृष्ण लेशा के वेरिएशंस कितने हैं, अभी हमने जो ऊपर बहुभाग लिया था असंख्यात लोग को नौ से भाग दे के आठ से गुणा किया था, ये तो बहुभाग हुआ था, अब क्या करना, ये बहुभाग में भी फिर उसको नौ से भाग देना और एक आठ से गुणा कर, तो क्या होगा, बहुभाग का बहुभाग होगा, देखो ना लिखते होगा, देखिए जो बचेगा एक भाग फिर उसका बहुभाग करना, ये पहले में पहले कितने स्थान थे असंख्यात लोग, ये असंख्यात ये लोग, उसको नौ का भाग दिया और आठ से गुणा किया, तो ये सारे संक्लेश परिणाम, बहुभाग प्रमाण संक्लेश है और एक भाग प्रमाण विशुद्ध परिणाम है, अब इसको कृष्ण नील और कपोत में भी विभाजित करना, अब किसका बहुभाग, यानी ये ऑलरेडी जितना मिला है उसको फिर नौ से भाग देंगे आठ से गुणा करेंगे तो ये बहुभाग का बहुभाग हुआ, ये कृष्ण में चला गया, एक भाग बचा उसकी वैल्यू कितनी होगी, असंख्यात लोग आठ और आगे एक लिखेंगे नीचे दो बार नौ, ये एक भाग रहा था, इस एक भाग का और बहुभाग करेंगे, एक भाग का बहुभाग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नौ का भाग लेंगे और यहाँ आठ से गुणा करेंगे, यानी यहाँ दो बार नौ था यहाँ तीन बार हो गया, ये नील लेशक हो जाए,
एक मान लो बचेगा इसी में से, आठ के बजाय एक गिर के वो कपोत नहीं चला गया, अभी हम इसको पढ़ेंगे। ये अशुभ की बात है, फिर बताइए अशुभ लेशा के स्थानों को उसी प्रतिभाग का भाग दे देकर बहुभाग बहुभाग मात्र कृष्ण नील के स्थान और एक भाग मात्र कपोत लेशा के स्थान जान लो। अभी आगे का पढ़ने के पहले नीचे का टेबल देखें, वो टेबल के ऊपर की लाइन में दो लाइन क्या लिखे देखो, सर्व कषायन के स्थान कितने लिखे, असंख्यात लोग मिला ना टेबल के ऊपर दूसरी में, अशुभ लेशाओं के स्थान कितने, असंख्यात लोग को नौ से भाग दिया आठ से गुणा किया, और शुभ लेशाओं के स्थान असंख्यात लोग को नौ से भाग देकर एक से गुणा किया। अब जो अशुभ लेशा के स्थान है उसमें से कृष्ण के कितने हैं, तो वहाँ असंख्यात लोग को नौ से भाग देकर आठ से गुणा किया था, उसको और एक बार नौ से भाग देकर आठ से गुणा किया, ये कृष्ण लेशा के आगे जो हमने यहाँ लिखे। अब जो एक भाग बचेगा फिर उसका बहुत भाग बना, उसके लिए नील में क्या लिखा है, असंख्यात लोग को तीन बार नौ से भाग दिया, दो बार आठ से गुणा, क्यों तीन बार आठ से, बहुभाग एक भाग का बहुभाग, बहुभाग का बहुभाग नहीं, एक भाग कितना हुआ, एक भाग था, एक भाग था उसको आठ से गुणा किया तो बहुत भाग हुआ, ये बहुभाग है, ये नील का हुआ। अब जो एक भाग बचा है आठ के बदले वहाँ एक लिख दिया, नीचे तो तीन बार नौ हो गया, ऊपर एक बार ये आठ हो, ये कपूत में चला गया, नहीं क्योंकि उसका रिमेनिंग एक भाग इसको अशुभ लेशा खत्म हो, वो अशुभ लेशा वहीं खत्म हो जाती है, पीत पद्म और शुक्ल ये तो शुभ लेशा है, उसका हिसाब हम पढ़ के ऊपर फिर इस टेबल पर आए, ऊपर जो शुभ लेशा का करेगा, शुभ लेशा के स्थानों को वो एक भाग प्रमाण थे ना, असंख्यात लोग को नौ से भाग दिया था इतने ही थे, उसको प्रतिभाग का भाग दे देकर बहुभाग मात्र पीत पद्म के स्थान और एक भाग मात्र शुक्ल लेशा के स्थान जानने उनकी रचना। अभी हमने अशुभ के तो देख लिए, अब शुभ लेशाओं के स्थान कितने हैं, तो असंख्यात लोग को नौ से भाग दिया इतने एक बार का, अब उसमें से पीत की देखिए, पीत के लिए क्या किया, असंख्यात लोग को नौ से भाग दिया था ये तो हमारा एक भाग था, उसका बहुभाग यानी और एक बार नौ से भाग दिया और आठ से गुणा किया तो ये पीत का हो गया। इसमें से जो एक भाग बचा यानी आठ के बदले वहाँ एक करो और एक नौ से भाग दो और आठ से गुणा करो, इसलिए यहाँ आगे भी एक बार ही आठ रह गया और नीचे तीन बार नौ हो गया। हाँ क्योंकि आठ और आठ जब ये बहुभाग हो गया तो एक भाग बचा वो कितना था, या आठ के बदले नौ से भाग देकर एक इसका एक भाग लेने का ना, पहले का ही नहीं नहीं उसका रिमेनिंग नहीं मैंने इसका एक भाग वो नील को गया, फिर कपोत में दो आठ आना चाहिए ना और एक आठ नहीं चाहिए उसका एक भाग, यहाँ तो ठीक है वो इसका, इसका जो एक भाग रहा था इसका एक भाग यानी आठ मिटा दो और एक रखो तब जाके यहाँ दो बार आठ आया, अभी इसका भाग यानी आठ मिटा और एक रखो तो एक भाग होगा ना यहाँ पर, यहाँ देखो हर एक रेशा में ऊ और ज लिखा बीच में बिंदी बिंदी लिखी है, उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट से लेकर जघन्य तक के कितने भेद है कितने स्थान है उनकी संख्या लिखी है, असंख्यात लोग हर एक के, परंतु उनकी एग्जैक्ट संख्या है नीचे क्योंकि असंख्यात लोग को किसी से भाग दिया किसी से गुणा किया, यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य के बीच तथा जघन्य और उत्कृष्ट के बीच ऐसा क्यों लिखा, कोई उत्कृष्ट और जघन्य के बीच लिखा, कृष्ण में पहला उत्कृष्ट लिया मैक्सिमम की ओर फिर जघन्य की तरफ आए, कृष्ण के जघन्य के बाद नील का उत्कृष्ट होगा फिर उसका जघन्य तक आ गए, फिर कपोत का उत्कृष्ट होगा फिर कपोत के जघन्य, अब यहाँ से अगर बढ़ेंगे विशुद्धि के बढ़ते हुए स्थान के लिए तो पहले पीत का जघन्य होगा फिर बढ़ते बढ़ते पीत का उत्कृष्ट होगा,
फिर कदम का जगह नहीं होगा, फिर बढ़ते बढ़ते कदम का उत्कृष्ट होगा, फिर शुक्ल का जगह नहीं होगा, बढ़ते बढ़ते शुक्ल का उत्कृष्ट होगा। ऐसा हम कह सकते हैं पीत के पीत एशिया के शुभ स्थान है वो नील अशुभ एशिया के शुभ स्थान से ज्यादा है, गणित तो ऐसा बताता है। क्या पीत के सर्व स्थान है जो पीत एशिया के सभी स्थान, हाँ, हाँ। नील एशिया के सभी स्थान से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 8 आता है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 9 आता है, इसलिए हाँ, पर यहाँ 9 एक एक्स्ट्रा है ना, हाँ इसलिए तो नीम के मैंने कम बताया, ना जाति बता रहे हैं ना, ना दोनों का समय छेद कर दो, हाँ दोनों का समय छेद कर दो, दोनों का समय छेद कर दो, 72 होगा वहाँ, 72 होगा यहाँ, 9 हो जाएगा यहाँ, 64 होगा यहाँ, 9 हो जाएंगे नीचे और ऊपर दोनों जगह 9-9 हो जाएंगे। नील में तो समछेद तो 9-3-9 है ही है, 3-9 है और यहाँ भी 1-9 कर देंगे, हाँ, 1-9 हाँ। करेंगे तो वहाँ 72 हो जाएगी, हाँ। और यहाँ 64 है, एक मिनट, हाँ पीत के ज्यादा हो गए ना, नहीं ये वहाँ पे 72 और वहाँ 64 हो जाएगी, नहीं पर वो तो मूल जो है वो एक भाग में कहीं है और ये बहुभाग में, पीत वो पीत है जो शुभलेशांग के स्थानों में मैक्सिमम कौन से है तो पीत वाले, और यहाँ अशुभ में मैक्सिमम कौन है, कृष्ण वाले, फिर जो एक भाग रिमेनिंग है उसका बहुभाग है और वहाँ तो टोटल बहुभाग है, या फिर छोटी संख्या छोटी संख्या लेके करते इसीलिए ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, पीत वाले ज्यादा हो गए, यहाँ पीत और नील का कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन अगर किया जाए अभी अभी इस हिसाब से अगर करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 एक ऊपर नीचे बढ़ा रहा, 9-8-72 हो जाएगी और 8-8-64 हो जाएगी, ऐसी कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि कोई उसका प्रयोजन ही नहीं है। अगर मेरा ये कहना है यहाँ जो अशुभ लेशा जो है उनके स्थान ही अधिक है, असंख्यात, उसके कंपैरिजन में शुभ लेशा के स्थान कम है, असंख्यात भाग उसका बहुभाग है, हाँ तो वो जास्त हो ही नहीं सके, नहीं भले ना तुम्हारे मैथ के हिसाब से आ जाओ क्वांटिटी गिनी जाए तो ऐसा नहीं होगी, बिकॉज इट्स स्मॉल, उसका तो नहीं होगा, उसका ओरिजिन कहां से आया, बाकी असंख्यात लोग तो माने दूसरा जो लोग उससे असंख्यात गुना, वो संदृष्टि भले आप संदृष्टि के हिसाब से करो तो उसका ओरिजिन तो एक भाग में से निकाला हुआ है और वो बहुभाग में से निकाला हुआ है, देख लो आप शांति से, किसका एक भाग में से निकाला है वो अशुभ लेशा, ये जो पूरा नौ जो था ना लेशा जो है अशुभ लेशा के साथ असंख्यात गुना है, वो बात बराबर है, उत्कृष्ट और जघन्य के बीच तथा जघन्य और उत्कृष्ट के बीच बिंदियों की संदृष्टि मध्य स्थानों के ग्रहण के लिए जानी, और अशुभ लेशा के स्थान ऐसे, ये उन्होंने बताए थे पहले, असंख्यात लोग को 9 से भाग दिया, 8 से गुणा किया, उनको क्रम से संदृष्टि अपेक्षा 8-8-1 से गुणा करके तथा एक बार दो बार दो बार 9 का भाग देने पर कृष्णादिक के स्थान होते हैं, कृष्ण नील और कपूर के तीनों को एक साथ बताना था, इसलिए कृष्ण के लिए 8 से, नील के लिए 8 से और कपूर के लिए 1 से गुणा किया, और कृष्ण के लिए 2 बार 9 से, नील और कपूर को 3 बार 9 से भाग दिया, और शुभलेशा के स्थान ऐसे असंख्यात लोग को 1 बार 9 से भाग दिया, उनको क्रम से 8-8-1 से गुणा करके तथा एक बार दो बार दो बार 9 का भाग देने पर, तीन बार से दो बार तीन बार शुभलेशा के स्थान ऐसे उसके बहुभाग संदृष्टि तो बराबर है, वो एक भाग का बहुभाग किया, दो बार लिखा भी बराबर है
और संदृष्टि के भी बराबर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको और कितने बार दिया वो बात बता रहे हैं। पितादिक के स्थान होते हैं पित पद्म और शुक्ल के स्थान होते हैं ऐसा जाना। कपोत के जो है वो अशुभ लेशा के स्थान में से जो मिला वो लाभ हो गया। पित का जो शुभ लेशा का बहुभाग मिला। नहीं नहीं, पित का जो स्टार्ट करते ना, स्टार्टिंग शुरुआत करते ना जो निकालने का, तो वो असंख्यात लोक मात्र है ना, तो वो उसमें जो लास्ट रहता है वो असंख्यात लेने का कि वो सबसे पहला जो लिया है वो ले लेना। देखो पहले हमें दो भाग किए, यहाँ टेबल के ऊपर देखो कषायम के स्थान कितने असंख्यात लोग, हाँ उसको अशुभ और शुभ में बंटवारा किया, तो अशुभ के लिए 9 से भाग दिया 8 से गुणा किया, और शुभ के लिए 9 से भाग दिया बस 1 से गुणा किया। अब अशुभ में से कृष्ण दिन कपोत 3 बने। वही मैं बोल रही हूँ, कपोत में से पित्त का प्रमाण नहीं, 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 नहीं। अशुभ और अशुभ का डिविजन किए ना, तो अशुभ का जो पहले सब असंख्या सब निकाले, फिर लास्ट में जो बस उससे फिर अशुभ के सब डिविजन हो गए कृष्ण दिन कपोत में बस, और शुभ में से पित्त पद्म और शुक्ल के 3 डिविजन। पहले उनको अलग अलग बंटवारा कर दिया था ना, अभी उसमें से उसको नहीं निकाला। अब इसी वेश्या के प्रकरण में आयुबंध संबंधी वहाँ टीका में बहुत विस्तार से वर्णन था, उसके बारे में जो संदृष्टि वो यहाँ बताए। पुनश्च अपकर्षण द्वारा, अपकर्षण करेंगे ना, अपकर्षण भी कहते हैं, इसका अर्थ है 2/3 में जो आयु का बंध होता है उसको अपकर्ष अपकर्षण कहते हैं। तो अपकर्षण द्वारा आयु बांधने वाले जीवों का प्रमाण किंचित कम संसारी राशि मात्र ऐसा। किंचित कम क्यों किया, संसारी राशि को लिया, सिद्धों को सवाल कहाँ है, चरम शरीर वाले आयु का बंधन, तद्भव जो मोक्ष जाने वाले आयु का बंधन नहीं करेंगे। तो अपकर्ष द्वारा आयु का बंध वाले बांधने वाले जीवों का प्रमाण किंचित कम संसारी राशि मात्र ऐसा, 13 में कुछ कम, इसको संख्यात का भाग देने पर देकर बहुभाग बहुभाग मात्र एकादी 7 तक अपकर्षण द्वारा आयु बांधने वालों का, और एक भाग मात्र 8 अपकर्षण द्वारा आयु बांधने वालों का प्रमाण ऐसा जाना। इसका अर्थ क्या है, कोई जीव एक बार ही आयु का बंधन करता है, अपकर्ष द्वारा का अर्थ होता है 2/3 आयु बीत गई, 1/3 यानी 1/3 बाकी है, उसके पहले अंतर्मुख में आयु का बंधन होता है। वहां अगर नहीं बंध हुआ, यानी आयु बंधने के योग्य परिणाम तभी होते, तब नहीं आयु बंधी तो दूसरा अवसर कब होगा, जो 1/3 बचा था उसका 1/3 बच जाएगा तब। अब ऐसे 1/3 का 1/3 का 1/3 8 बार ऐसे अलग अलग होता है, तो कोई जीव उसमें से कभी एक ही बार आयु का बंध करेगा, कोई जीव 2 बार में मिलकर आयु का बंध करेगा, कोई जीव 3 बार में 4 बार में, ऐसे कोई तो 8 ही बार आयु के प्रमाणों को ग्रहण करेगा। परंतु ऐसे जीवों की संख्या बहुत कम है, इसलिए कहा एक भाग मात्र 8 अपकर्षण द्वारा आयु बांधने वालों का प्रमाण ऐसा, यानी उनकी मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी किनकी, एक बार आयु बांधने वालों की मेजॉरिटी, माने अंत में जो बांधेगा उसकी मेजॉरिटी, अंत में नहीं करूं एक बार, माने 8 बार नहीं, 8 में मिलकर नहीं, एक बार। वो समझे नहीं बराबर, वही जो एक बार आयु बांधेगा वही जो दोबारा भी बांधेगा, कभी 8 बार भी बांधेगा, तो 8 बार बांधने वालों की संख्या कम है। एकादि 7 तक, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, इसको कहेंगे एकादि 7 तक अपकर्ष द्वारा आयु बांधने वालों का
और एक भाग मात्र आठ अपकर्षण द्वारा आयु बांधने वालों का प्रमाण। देखो फिर से इसको पढ़ते पूरा पैराग्राफ। अपकर्ष द्वारा अपकर्षक कहो तो अच्छा है, अपकर्षण भी कहते हैं, अपकर्षक हो। और नीचे थर्ड लाइन में भी अपकर्षण लिखा है, लास्ट में अपकर्षण द्वारा लिखा है। चलेगा, कोई चिंता नहीं, दोनों ही शब्द आते हैं। तो क्या कहे, अपकर्षण द्वारा आयु बांधने वाले जीवों का प्रमाण कितना है? तो किंचित कम संसारी राशि मात्र, उसमें बस वो बांधने वाली इतनी ही। अब उसमें से वो एक बार में बांधते के, दो बार में बांधते के, आठ बार में मिलकर बांधते, उसकी बात यहाँ पर। तो कहते इसको संख्यात का भाग देकर बहुभाग बहुभाग मात्र एकाधि सात कर, यानी एक बार बांधने वाले, यानी क्या करना, तेरह को, यानी तेरह माइनस जो संख्या है, तेरह में कुछ कम, उसको संख्यात का भाग ले दो और उसका बहुभाग ले, वो एक बार आयु बांधने। अब उसका संख्यात का भाग, यानी उसका बहुभाग लेना, इसका भाग देना, संख्यात का भाग लेकर बहुभाग लेना। बहुभाग निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे नौ का भाग देंगे बहुभाग आठ से गुणा करते हैं, यहाँ संख्यात का भाग दिया तो बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू माइनस वन, यानी वो संख्यात माइनस वन करेंगे, उससे गुणा करेंगे तो हमें बहुभाग मिलेगा। फिर जो एक भाग बचेगा फिर उसका बहुभाग, जो बचेगा फिर उसका बहुभाग, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ नौ नौ बढ़ेंगे, वहाँ संख्या संख्या लिखेंगे और ऊपर आठ के बदले संख्या माइनस वन करेंगे। हमें नहीं पता, अब ये हम टेबल पढ़ेंगे तो ख्याल नहीं आएगा। पहले ने एक बार नीचे एक लिखा, उसका क्या है, अर्थात एक बार आयु का बंधन करने वाले जीवों का प्रमाण कितना है, तो टोटल कितने हैं, तो तेरह माइनस वाले, उसको संख्यात का भाग देना और संख्यात माइनस एक से गुणा करना, ये हुआ पहला प्रॉब्लम। इतने जीव एक बार में आयु का बंधन कर, अब इसमें से जो बचेगा एक भाग, इन्हें तेरह माइनस को नौ से भाग देना, ये एक भाग हुआ, उस एक भाग का वो भाग इन्हें और एक बार संख्या से गुणा करो, ये भाग दे दो और संख्या माइनस एक से गुणा करो। इसके आगे क्या होगा, नीचे डिवीजन में एक एक संख्या बढ़ते चले जाए, ये दूसरे, यानी ये दूसरा वो भाग, ये दो बार में आयु बांधने वाला। फिर जो एक भाग बचेगा उसका वो भाग, यानी डिवीजन में तीन बार संख्या का, ये तीन बार आयु बांधेगा। फिर और एक नू, यानी वो संख्या बढ़ाओ डिवीजन में, चार बार आयु का बंध करने का। फिर पांच बार संख्या से भाग देना, पांच बार, फिर छह बार, सात बार और आठ बार। आठवें में ऊपर नू माइनस वन से गुणा नहीं किया, सातवीं बार जैसे सात का ही संख्या, संख्या का सात बार भाग दिया है, वही संख्या यहाँ लगी, वहाँ संख्या माइनस एक से गुणा किया था और यहाँ डायरेक्ट एक से गुणा। अब उसका हम पढ़ेंगे, यहाँ बहुभागों में एक कम संख्या ऐसा, यानी हमारी भाषा में नू माइनस वन, उसको तो उसका तो गुणकार अनुक्रम से, यानी वो गुणकार मिलेगा कॉमा लगाना, और अनुक्रम से एक दो तीन चार पाँच छः सात बार संख्या ऐसा उसका भाग लग जाता है, तथा एक भाग में एक का गुणकार सात बार संख्या का भाग लग जाना, ये लास्ट कॉलम में जहाँ जो आठ वाला है वहाँ उसको ले लेना। यहाँ तक संदृष्टि समझ में आई अमूल कि नहीं आई? और नीचे जो नीचे में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लिखे हैं, नीचे एक दो आदि अपकर्षों की संदृष्टि, एक दो आदि अंक जानने, पुनश्च आठ अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के आठवें अपकर्ष में आयु बांधने का जघन्य कार छोटा अंतर्मुख, क्या कहते, जो आठों बार में मिलकर आयु का बंध कर, तो हर बार तो अंतर्मुर्त अंतर्मुर्त तो आयु को बंध होता ही होता है,
कभी ऐसा नहीं होता कि दो चार समय के लिए आयु का बंद हो और मिल गया, अंतर्मुर्त तो बंदे ही बंदे। तो कहते जो आठों ही बार में मिलकर आयु बांधता है, हर बार अंतर्मुर्त होता है, तो उसका जो आठवें बार का जो अंतर्मुर्त है, यहाँ लिखा ना आठ अपकर्षों द्वारा आयु बांधने वाले के आठवें अपकर्ष में आयु बांधने का जघन्य काल छोटा अंतर्मुर्त ऐसा, यानी संख्या तब ले लिया। इसको संख्या की सेनानी चार का अंक उसका भाग देकर एक भाग मात्र विशेष अधिक उसका उत्कृष्ट काल ऐसा, यानी आठवीं बार आठ बार मिलकर जो आयु का बंध करता है, वो जब आठवीं बार आयु का बंध करता है तो उसका आयु बंध का काल जघन्य से उत्कृष्ट तक वेरिएशन होते हैं उसका। तो आठवीं बार में उसका जघन्य काल कितना है तो एक अंतर है, जिसको हम संख्या आवलिका। और वहीं पर आठवीं बार में किसी के उत्कृष्ट काल होगा तो कितना होगा तो विशेष अधिक। उसके लिए क्या किया, चार से भाग दिया और पाँच से गुणा किया, यहाँ एक माइनस से नहीं गुणा किया, एक अधिक से, क्योंकि उसका संख्या का भाग उसमें ऐड करना है। कुछ ख्याल में थोड़ा थोड़ा, जैसे 81 का 9 का भाग देकर बहुभाग निकालना है तो क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं 8 से गुणा किया, यानी क्या हुआ 99 बंद करा देंगे वो उसका बहुभाग होगा। परंतु 81 को 9 का भाग दिया, यानी उसकी संख्या कितनी 9, उसका 9वां भाग 9 है तो उसमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे 9 से भाग देंगे 10 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, 9 ऐड करना है ना उसको, डिफरेंस क्या में आया। तो जब किसी संख्या का उतना भाग निकाल के उसमें ऐड करना है तो उसके 1 प्लस को उसको गुणा करते हैं, तो यहाँ 4 का भाग दिया और 5 से गुणा किया, उसका अर्थ चौथा भाग उसमें मिलाया, अंतर्मूल का चौथा भाग उसी में मिलाया तो 5 चतुर्थांश हो गया। ऐसे भी 5 चतुर्थांश की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 1 = 4 होती है, एक पूर्णांक एक चतुर्थांश होते ही है। थोड़ा थोड़ा गणित का स्कूल का याद करेंगे। अब कहते इसको संख्या की सेनानी, ये जो आठवीं बार का जो उत्कृष्ट काल है उसको संख्या की सेनानी चार से गुणा करने पर उसके उसके ने जो आठ वो बार मिलकर जो आयु का बंद करता है उसके सातवें अपकर्ष में जघन्य काल ऐसा, जो हमने आठवीं बार में देखा था उसको चार से गुणा करते हैं, वो कुछ अपवर्तन नहीं किया वैसे ही रखा है वहाँ पर, और इससे विशेष अधिक उसका उत्कृष्ट काल, तो उसके लिए क्या करना है और एक चार से भाग दो पाँच से गुणा करो। इसी प्रकार अभी ये झमेला चल रहा है, नीचे छठवें में आएंगे फिर पाँचवीं बार चौथी बार, इस तरह से नीचे नीचे बढ़ता चला जाए। इसी प्रकार पहले अपकर्ष के उत्कृष्ट तक टीका में कहे हुए जो 72 स्थान, कैसे बोलते हैं, कोई आठों ही बार बांधता है तो उसके हर बार जघन्य उत्कृष्ट है, और कोई 7 बार बांधता है तो उसके फिर उसका जघन्य उत्कृष्ट अलग होगा, यानी ये कैसे निकलेगा। आठ का एक बार संकलन कर करो उसको दो गुणा करो, कोई 8 बार कोई 7 बार कोई 6 बार कोई 5 बार, यानी कोई एक बार तक है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार सात बार 8 बार, यानी 8 का संकलन करो कितना हुआ 36 होते, और हर स्थान में दो दो जगह में उत्कृष्ट 72 हो जाएगा। ये तो बहुत विस्तार से हमने टीका में भी पढ़ा, इसका टेबल भी दिया था। देखो इसी तरह पहले अपकर्ष के उत्कृष्ट तक टीका में कहे हुए, टीका में हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ना इसका मूल पुस्तक में, जो 72 स्थान उनमें अपने जघन्य को संदृष्टि अपेक्षा 5 से गुणा करके 4 का भाग देने पर उत्कृष्ट होता है, कहीं पर भी उत्कृष्ट निकालने
करने के लिए क्या करना, जगह नहीं तो चार से भाग देना, पांच से भाग, और पूर्व उत्कृष्ट को चार से गुणा करने पर उत्तर जघन्य होता है, यानी आठवें का जो उत्कृष्ट है उसको चार से गुणा करो तो सातवें का जघन्य होता है, सातवें का जो उत्कृष्ट है उसको चार से गुणा करने पर छठे का जघन्य होता है, इस तरह से जो ऊपर हमने करके देखा ना, उन्होंने बताया वही सब उत्तर का तो था नेक्स्ट आगे वाला। अब ये तो आयु के बंधन के बाबत हो गया, फिर आते हैं लेशाओं के स्थान में, पुनश्च जीवों की संख्या में, कृष्णादि अशुभ लेशा वाले जीव किंचित कम संसारी राशि मात्र ऐसे, ये लेशा वालों को किंचित कम संसारी क्यों कहा? हाँ बोल आप कहेंगे, कृष्णादि में अशुभ लेशा वाले तो क्या करना, आप नहीं बोलेंगे, ये नए लोग सब बोलेंगे, कोई भी हाँ सुशील अलेशा वाले को माइनस करना, और अशुभ लेशा वाले बता रहे हैं तो शुभ लेशा वालों को भी माइनस करना, मात्र अशुभ लेशा वाले निकालने, यहाँ क्या लिखा, जीवों की संख्या में कृष्णादि अशुभ लेशा वाले जीव, और उनकी मेजोरिटी है हमने देखा है, तो कितने है, तो किंचित कम संसारी राशि, एक इंद्रिय सारे क्या है, अशुभ लेशा वाले ही है, उनकी संख्या अनंत है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय तक नियम से कृष्ण नील कपोट वाले अशुभ लेशा वाले ही है, ही लगाए, और ऊपर के उसमें दोनों अशुभ के, अब नारकी कैसे है, सारे अशुभ वाले देव शुभ शुभ वाले मनुष्य और तीन अंचल में दोनों तो अशुभ उनकी मेजोरिटी है, तो किसी के परिणाम को देखकर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जीवों की संख्या में कृष्णादि अशुभ लेशा वाले जीव किंचित कम संसारी राशि मात्र ऐसे 13 माइनस, इसको आवली की असंख्यात में भाग की संदृष्टि नौका, अब ये नव की संदृष्टि वहाँ पर असंख्यात लोग के लिए, या तो आवली के असंख्यात में भाग के लिए जहाँ जो होगी वहाँ यथायोगी संदृष्टि उसका भाग देकर बहुभाग ऐसा उसके तीन भाग करके एक एक समान भाग कृष्णादि लेशा वालों को देना। पहले जो हमने डिविजन्स की थी तो लेशा के स्थानों की थी, अब यहाँ कृष्ण लेशा के जीव कितने हैं, नील वाले कितने हैं, कपूर वाले कितने हैं, उन जीवों की संख्या की बात चल, तो पहले में पहले अशुभ लेशा वाले जो कोई टोटल जीव है उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर उसका बहुभाग निकाला, एक भाग अलग रखा और बहुभाग तीनों में समान रूप से दिए, पहले में पहले जिसको हम समान राशि कहेंगे, कौन से तीन में दिए नितिन भाई, बहुत अच्छा, कृष्ण नील और कपोत वालों में दो, तो तीन भाग करके एक एक समान भाग कृष्णादि लेशा वालों को देना, यानी उसको कैसे कहेंगे 13 कुछ कम, और उसको हमने 9 से भाग देके 8 से गुणा किया तो बहुभाग मिला था, और फिर डिवाइडेड बाय 3 ये समान भाग हुआ, 3 में डिवीजन हुआ, ख्याल में कैसे लिखा है, कृष्ण के आगे समान भाग क्या लिखा है, 13 कुछ कम, ये क्या है अशुभ लेशा, और फिर उसको 9 से भाग दिया 8 से गुणा किया और 3 में डिवाइड किया तो ये समान भाग कृष्ण ने भी दिया, नील में भी दिया, कपोत में, परंतु हमने एक भाग अलग निकाला है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अलग ढंग से होगा, उसकी बात पढ़ेंगे ऊपर, अवशेष एक भाग ऐसा 13 कुछ कम को 9 से भाग दिया वो एक भाग की वैल्यू है, उसको प्रतिभाग का भाग दे देकर हर बार उसका भाग देंगे और बहुभाग कृष्ण को देंगे, फिर एक भाग बचेगा उसका वो भाग नील को देंगे, फिर एक भाग बचेगा वो पूरा ही कपूर,
तो बहुभाग कृष्ण निर्वेशा वालों को एक भाग, कपोत वेशा वालों को और देना, और इन एडिशन, पहले तो हमने समान भाग दिया ही दिया था, अब एडिशनल जो भाग है वो पहला बहुभाग कृष्ण को, दूसरा बहुभाग नील को, और तीसरा एक भाग कपोत को। अब ये कैसा जो एक भाग बचा था, एक भाग की वैल्यू कितनी थी, 13 माइनस और एक बार 9 से भाग दिया, उसको एक 9 और भाग देना और 8 से गुणा करना। नील के लिए डिवीजन में एक 9 और बढ़ेगा, कपोत के लिए डिवीजन में 3 ही 9 रहेंगे, ऊपर गुणकार में 8 थे वहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि एक समान भाग है और एक देव भाग है, देव भाग है ना एडिशनल, समान तो तीनों में समान रूप से हरेक को उतना उतना मिला दिया। अब ये दोनों की टोटल करेंगे, वहाँ समच्छेद विधान द्वारा। अब ये जो हमने अभी जो टेबल देखा 10,010 करोड़, 1,010 करोड़ पेज पर नीचे, उसमें समान भाग की डिवीजन में यानी उसका छेद क्या है, 9 और 3, और देह भाग में अधिक से अधिक कितने 9 हैं, 3 बार, तो हमें छेद में क्या होना चाहिए, 3 बार 9 चाहिए, 1 बार 3 चाहिए, तभी सबका समान रूप से छेद हो जाए। तो जहाँ जो कम है उसको वहाँ गुणकार भागा दोनों में ऐड करना, और फिर हम फिर दोबारा लिखते रहते हैं, वहाँ समच्छेद विधान द्वारा सर्वत्र 3 बार 9 और 3 का भाग करने को, समान भाग में 1 बार 9 और 3 का भाग है, पहले देखकर वहाँ ऑलरेडी 9 और 3 का था, उसमें क्या कम है, और 2 बार 9 डालने पड़ेंगे, तो वो डिवीजन यानी छेद में भी डालेंगे और अंश में भी डालेंगे, तो 2 बार 9 का गुणकार करना, 2 बार 9 भागाकार में भी ले ली और 2 बार 9 का गुणकार करना। देखो समान भाग देख लो, पहले जो लिखे थे वहाँ तो 3 को और 1 9 को तो रखा ही रखा है, आगे 2 9 छेद में भी बढ़ाए और गुणकार में भी, यानी भागार गुणकार दोनों जगह, ये सर्वत्र समान भाग तो समान ही सबका। अब देह भाग में 3 बार भागार 9 देखकर 3 का गुणकार करना, जहाँ 3 बार 9 है वहाँ मात्र 3 डालना ऊपर और नीचे, और कृष्ण लेशा के 2 बार ही 9 का भाग कार्य देखकर 1 बार 9 का गुणकार करना, यानी वहाँ 3 बार और 9 बार, 3 और 9 दोनों ही डालने, ऐसा करने पर ऐसा होता। समान भाग को हमने अभी देख लिया था, अब देव भाग में क्या देखो, कृष्ण का देव भाग देख लो, पहले पूर्व पृष्ठ पर वहाँ डिवीजन में 2 बार 9 थे, वहाँ 1 बार 9 और 1 3 ऐड कर दिया, और ऊपर भी गुणकार में भी 3 और 9 ऐड कर दिया। नील के देह भाग में 3 बार 9 ऑलरेडी थे ही थे, केवल 3 ही रैकिंग था वहाँ कम था, तो गुणकार और भागार में 3 3 बढ़ा दिया। कपोत में 3 बार 9 थे ही, वहाँ भी 3 बढ़ा दिया और ऊपर भी 3 बढ़ा। अब यहाँ जो संख्या है उसका परस्पर गुणा करेंगे, वहाँ परस्पर गुणा करने पर और समान भाग देह भाग मिलाने पर कृष्णादि लेशा वाले जीवों का प्रमाण ऐसा होता है। अब सर्वत्र छेद समान है, अब हमें जो अंश है हर एक का अपना अपना समान का और देह का, तो वहाँ समान का क्या है, उसकी गुणकार कर देना है, वहाँ 9 × 9 × 8 है, और नीचे देह में 9 × 3 × 8, तो उसके सबकी टोटल कितनी आ गई वहाँ पर, 864, यानी 8 × 9 × 9 + 8 × 3 × 9, ये सब मिलकर 864 आ गया। वैसे आगे के नील का कर दिया तो 672 आ गया, कपोत का किया तो 651 आ गया। अब सर्वत्र छेद तो वही का वही है, तो 3 के आगे 3 बार 9 का आपस में गुणा कर दिया तो 729 आ गया,
मैंने 981 गुना 9 729 हो पुनश्च। यानी यहाँ समझ में, अभी हमने जो संतुष्टि ली है तो किसके जीव कौन से ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा है, हाँ कृष्ण लेश, बाकी कॉमन रखते हुए 13 माइनस का तो अर्थ होता है अनंत, और उसको डिवीजन में 3 और 729 ले ली। अभी 864 है, वहाँ 672 है, 651। अब कहते हैं काल अपेक्षा अंतर्मुक्त मात्र काल ऐसा, उसका वैसे ही विधान करने पर कृष्णादि लेशाओं का काल ऐसा, काल की अपेक्षा अगर वो 13 माइनस लिख लिए उसके बदले वहाँ पर अंतर्मुक्त लिख दो तो ये उनका काल मिलेगा। हर जगह वो बाकी संख्या तो वैसे की वैसे लेगी, क्योंकि वहाँ भी एक प्रतिभाग का भाग दे देकर एक एक का काल हो जाएगा, यानी कृष्ण में रहने का काल भी ज्यादा है। वहाँ प्रमाण राशि अंतर्मूर्त मात्र ऐसा, फल राशि जीवन का प्रमाण ऐसा, और इच्छा राशि अपना अपना काल करने पर पूर्वोक्त जीवों का प्रमाण आता है। अब ये जो हमें यहाँ काल का प्रमाण मिला है तो क्या लिखेंगे हम, कि जहाँ अंतर्मूर्त मात्र प्रमाण राशि है तो फल राशि कितनी होती है, 13 माइनस पूरी, तो अभी इतना जो है उसमें कितनी होगी, तो जो ऊपर का 13 माइनस करके गुणकार किया था वही संख्या वहाँ आने वाली। इस प्रकार द्रव्यमान से, द्रव्यमान यानी संख्या से, कृष्णादि लेशा वाले जीव अशुभ लेशा वाले जीवों के त्रिभाग मात्र है, क्योंकि हमने उसके तीन भाग किए हैं, कृष्ण नील और पापु, वो समान नहीं है परंतु वो तीन में बंटवारा है, परंतु क्रम से हीन रूप है, क्रम से हीन रूप है, कृष्ण में ज्यादा है, नील में उससे कम है, और कपोत में उनसे भी कम है। इसलिए कृष्ण रेशा के राशि के ऊपर किंचित अधिक की उभी लकीर करने और नील रेशा के भागहार के ऊपर किंचित अधिक की एक उभी लकीर करनी और कपोत रेशा के भागहार के ऊपर दो बार किंचित अधिक की दो उभी लकीर करनी, तो ये त्रिभाग हो जाएगा। यानी जो अगर हम समान तीन भाग करेंगे, यानी ऊपर कृष्ण रेशा के राशि के ऊपर हो जाएंगे और नील और उसमें भागहार में जाएंगे, परंतु क्षेत्रमान से अभी कुछ अलग बता है। द्रव्यमान में होता है जीवन का प्रमाण, अब क्षेत्रमान बता रहे, क्षेत्रमान से लोक से अनंत गुणे ऐसे, अने लोक गुणा अनंत, क्यों, यानी एक क्षेत्रमान ने हमें प्रदेश दे, तो कितने जीव के हैं अशुभ लेश, अनंत जीव, एक जीव के कितने प्रदेश है, कितने लोक गुणासन, तो एक लोक मल्टीप्लाई बाय टू यानी अनंत, यानी अनंत लोक कितने प्रदेश व्यापे हैं, लोक के बाहर नहीं गए, मतलब क्षेत्र का प्रमाण कितना, एक जीव का इतना एक लोक प्रमाण, तो अनंत जीवों का कितना है, तो अनंत लोक प्रमाण, एक क्षेत्र अपेक्षा क्षेत्रमान कहा हो, मेजरमेंट लोक से अनंत गुण, और कालमान से अतीत काल से अनंत गुण ऐसे हैं, परंतु क्रम से हिंदू को, देखो द्रव्यमान से कृष्ण नील कपोत का प्रमाण निकाला जीवों, क्षेत्रमान से अनंत के प्रदेशों का, और कालमान से अतीत काल से अनंत गुणे, क्योंकि जीवों की संख्या ली संसारी जीवों की, तो अतीत काल के लिए अलिखा और उससे अनंत गुणे पर लिखा, परंतु क्रम से हीन रूप है, इसलिए कृष्ण की राशि के ऊपर किंचित अधिक की ऐसी यानी वो उभी रखी, और नील के गुणकार के आगे किंचित हीन की ऐसी, और कपोत के गुणकार के आगे दो बार किंचित हीन की ऐसी संदृष्टि जाती,
देखो यहाँ नीचे देखो, नाम लिखा है द्रव्यमान से कृष्ण वाले जीवों का प्रमाण कितना है, तो तेरा कुछ कम, और उसके नीचे नीचे तीन यानी त्रिभाग में बांटे हैं ना, और उसके ऊपर प्लस कर लो यानी त्रिभाग से कुछ अधिक, उसके आगे नील में नील में क्या किया है, वो नीचे भागार में अधिक नील के गुणहार गुणकार में किंचित हीन की है, और कपोत के गुणगण के बारे में भागार में कोई यानी उसका भागार बड़ा, क्षेत्रमान से असंख्यात लोग अनंत लोग सर्वत्र ले लिए, फिर भी कृष्ण में भी कुछ अधिक कर दिया, नील में कुछ कम कर दिया, और कपोत में दो बार, तो दो बार क्यों लिया, दो बार किंचित कम करना था, एक खल निकालना पड़ेगा, दो खल नहीं होगा, एक ही खल चाहिए इसमें से, और दो बार कम कर दिए था ना, दो बार किंचित कीन, एक क्षेत्रमान में दो बार तो हुआ है ना कपोत के नीचे, वो एक ही बार तो चाहिए, अब कालमान में बराबर और खड़ी है, तो कालमान में कृष्ण के ऊपर किंचित अधिक, नील में एक बार कम, और कपोत में दो बार, अभी भावमान की बात पढ़ेंगे, फिर ऊपर की पढ़ के फिर इसको देखेंगे, भावमान से केवल ज्ञान के अनंत में भाग मात्र ऐसे यानी केवल ज्ञान का अनंत का भाग, परंतु क्रम से हीन है, इसलिए कृष्ण राशि के ऊपर किंचित अधिक की के डिवाइडेड बाय फॉर किंचित प्लस ले लिया वहाँ पर, वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए नील और कपोत के भागार के ऊपर एक बार और दो बार किंचित अधिक की समृद्धि है, भागार बढ़ा दिया तो संख्या कम होती है, क्यों इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा, इतना ही ख्याल नहीं लेता, ऊपर कपोत में ऐसा लिया था नील और कपोत का द्रव्यमान में भी इस तरह से लिया था, ये जो क्षेत्रमान में करेक्शन करना तो कर दिया ना, अब शुभलेशा में देखेंगे, शुभलेशा वाले जीवों में द्रव्यमान से शुक्ल लेशा वाले असंख्यात जीव, पद्म लेशा वाले उनसे असंख्यात गुणे हैं, और पीत लेशा वाले उनसे भी संख्यात गुणे के, देखो इनकी संख्या अनंत नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हाँ परंतु अनंत राशि तो शुक्ल लेशा वालों की होती है ना, ये असंख्यात में ही होती, क्योंकि चतुरिंद्रिय के तत्व तो अशुभ लेशा ही है, असंगी पंचेंद्रियों में भी पीत किसी किसी की हो सकती है, तो मेजोरिटी के तो उनके भी अशुभ हो गए, अब संगी पंचेंद्रियों में तो छह लेशा पाई जाएगी, नारकियों के तो अशुभ होगी, देवों की शुभ होगी, मनुष्य की रेंचों में दोनों होगी, तो इसलिए ये जो शुभ लेशा वाले जो है उसमें से टोटल मिलकर के भी असंख्या होगी, फिर भी शुक्ल लेशा वाले असंख्यात है, उससे असंख्यात बने पद्म वाले और उनसे संख्यात बने पीत वाले, ये देख लो आगे के टेबल में 1013 में जो बीच में टेबल है ना, केवल द्रव्यमान को ही पढ़ना है, पीत पद्म और शुक्ल राइट साइड से पढ़ो, शुक्ल के नीचे कितना लिखा द्रव्यमान असंख्यात, पद्म के नीचे दो बार असंख्या यानी उससे असंख्या गुना हो, और पीत के नीचे दो बार असंख्या लिख के उसको और संख्या से गुना, इतने वो पीत वाले कौन ज्यादा है, मेजॉरिटी पीत वाले,
पुनश्च क्षेत्रमान से पीत लेशा वाली ज्योतिष की राशि ऐसी, ये ज्योतिषी जीवों का प्रमाण यहाँ लिखा। ज्योतिषी में और भी कोई लेशा होगी क्या वीरेश भाई? यहाँ ज्योतिषी देवों में पीत लेशा वाले ज्योतिष राशि ऐसी, ज्योतिषियों में और कौन कौन सी लेशा होगी? पद्म शुक्ल कुछ होगी कि नहीं होगी बोलो। पीतर कपूर, ये अशुभ लेशा मात्र अपर्याप्त में होती है, अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में, शरीर पर्याप्त पूरी नहीं होती है तब तक, बाद में सभी पीत रेशा वाले ही है, तो लगभग पूरी राशि यहाँ लेगी। भवनवासी राशि ऐसी और व्यंतर राशि ऐसी, व्यंतर राशि को जो ज्योतिषी राशि थी उसी को भाग दिया और 81,000 करोड़ से, यानी 81 के ऊपर 10 जीरो, यानी उसका संख्या तो भाग ऐसा समझेंगे। स्वधर्म व्यक्ति ऐसी, फिर तिरियंच लेना कितने हैं, 5 बार संख्या गुणित पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल से वांछन जगत इसको माइनस वन नहीं है वैसे, वो तो जगत श्रेणी की हमने पहले देखा था कितने जगत श्रेणी के लिए क्या क्या उसकी संदिग्ध आई थी, उसके बाद हम फिर दोबारा वो जीवन का प्रमाण जो हमने देखा था गति मार्गणा में उसको देखते हुए इसको देखेंगे। यानी इन सभी राशियों को मिलाने पर पीत लेशा वाले हो गए। पीत लेशा वाले कहाँ हो गए? वनवासियों में, ज्योतिषियों में हो गए, यंत्रों में हो गए, सौधर्मद्वीप में हो गए, तिरियंचों में हो गए और मनुष्य को संख्या थे, ये सब मिलकर पीत लेशा वाले हो गए। ये पीत लेशा की बात फिर दोबारा देखिए।